तो गाइज हाजिर हूं मैं लेकर एक और बहुत ही कमाल की वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं Realme 7 Pro और Oppo F17 Pro के बारे में। एक्चुअली में दोस्तों ये जो दोनों स्मार्टफोन हैं ये एक दिन दो दिन पीछे ही लॉन्च हुए हैं, यानी कि 2 सितंबर को लॉन्च हुआ है Oppo F17 Pro और 3 सितंबर को लॉन्च हुआ है Realme 7 Pro। दोनों की जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी मिलती जुलती है, तो इसलिए मैंने इन दोनों का कंपेरिजन करने का यहाँ पर सोचा। मैंने एक बार ये सोचा कि Realme 6 Pro से क्यों ना 7 Pro को कंपेरिजन कर दिया जाए, बट यहाँ पर ये जो कंपैरिजन था वो फेयर नहीं बनता था, क्योंकि Realme 6 Pro 3-4 महीने पहले लॉन्च हुआ और यहाँ पर अब लॉन्च हुआ है Realme 7 Pro। तो मैंने सोचा कि Oppo से इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये फेयर कंपैरिजन बन के आता है। अगर आप चाहते हैं तो मैं Realme 7 Pro और Realme 6 Pro का भी कंपैरिजन ला सकता हूँ, उसके लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करना होगा। तो यहाँ पर हम बात करने वाला है Oppo F17 Pro और Realme 7 Pro के स्पेसिफिकेशन, प्राइस, अवेलेबिलिटी, उनके जो भी स्पेक्स डिटेल्स हैं मैं उनके बारे में मैं आपसे यहाँ पर डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो हेलो, मेरा नाम महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहां पर कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी से। तो यहां पर मैं Realme 7 Pro में आपको बताऊं तो यहां पर प्लास्टिक का आपको फ्रेम देखने को मिलता है और जो पीछे का आपको देखने को मिलती है बॉडी वो भी आपको प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है, यानी कि आपको पीछे कोई भी ग्लास वगैरह देखने को नहीं मिलता है दोनों ही स्मार्टफोन में। ये जो बिल्ड क्वालिटी है वो दोनों स्मार्टफोन के लिए लागू होती है, लेकिन यहां पर Oppo ने बताया है कि जो हमारा स्मार्टफोन है वो बहुत ही स्लीक है, यानी कि आपको 7.5 mm की थिकनेस देखने को मिलती है जो कि बहुत ही कम निकल कर आती है। और वहीं बात करें Realme 7 Pro में तो आपको वहां पर 8.7 mm की थिकनेस देखने को मिलती है, हालांकि आपको दोनों में ही P2i कोटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि छोटे मोटे पानी के जो छींटे हैं वो दोनों ही स्मार्टफोन सह जाएंगे। अब यहां पर बात करते हैं डिस्प्ले से, जो यहां पर इसका सबसे मेन पॉइंट है। तो यहां पर आपको Realme 7 Pro में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी जा रही है, 6.4 इंच की यहां पर आपको डिस्प्ले दी जा रही है। इसका जो रेजोल्यूशन है वो फुल एचडी प्लस का आपको यहां पर दिया जा रहा है, 82.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और साथ ही साथ आपको गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी जा रही है, और साथ ही साथ आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी दिया जा रहा है। वहीं बात करें Oppo F17 Pro में तो आपको वहां पर 6.43 इंच की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले वहां पर भी दी जा रही है, साथ ही साथ आपको वहां 84.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल रहा है। जो एक चीज दोनों में कॉमन है वो है यहां पर रिफ्रेश रेट, यानी कि आपको कोई भी मॉडर्न रिफ्रेश रेट यहां पर देखने को नहीं मिल रहा है, सिंपल सा वही 60 हर्ट्ज वाला रिफ्रेश रेट दोनों में ही आपको देखने को मिल रहा है, जो कि थोड़ा सा यहां पर प्राइस को देखते हुए डिसअपॉइंटमेंट मुझे यहां पर देखने को मिला। अब यहां पर बात करते हैं इनके मेन पावर की, यानी कि प्रोसेसर की। तो आपको Realme 7 Pro में स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर दिया जा रहा है जो कि 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और ये एक कैपेबल स्मार्टफोन है गेमिंग वगैरह के लिए, यानी कि इसमें आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको एंड्रॉइड 10 बेस्ड Realme UI देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें Oppo F17 Pro में तो आपको उसमें MediaTek का Helio P95 प्रोसेसर दिया जा रहा है जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और ये जो प्रोसेसर है दोस्तों उसमें भी आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक्सटेंसिव गेमिंग आप बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। पबजी बैन हो गया, अब क्या कर सकते हैं, तो पबजी बैन हो गया तो कोई और गेम आप ट्राई कर सकते हैं, और इसमें भी आपको एंड्रॉयड 10 बेस्ड कलर रॉयल 7.2 देखने को मिल जाता है। अब वहीं बात करते हैं कैमरे की। तो Realme 7 Pro में आपको 64 मेगापिक्सल का सोनी का IMX682 सेंसर दिया जा रहा है, और साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ वहीं बात करें Oppo F17 Pro में तो आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो तीनों कैमरे हैं दोस्तों वो सेम टू सेम आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा यहां पर दिया जा रहा है। सेल्फी की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का आपको Realme 7 Pro में और 16+2 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी दी जा रही है Oppo F17 Pro में। अब वहीं बात करें बैटरी की तो आपको 4500 मिलियन पावर की बैटरी देखने को मिल रही है, लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जर मिल रहा है। 65 वाट वाकई में काफ़ी इंसेन स्पीड आपको देगा। और वहीं बात करें Oppo F17 Pro में तो आपको वहां पर वही घिसा पिटा 30 वाट का चार्जर दिया जा रहा है। 30 वाट की चार्जर की जो स्पीड होती है वो भी बहुत ख़राब नहीं होती है, लेकिन वहां पर आपको 4015 मिली एम्पावर की बैटरी दी जा रही है। अब यही बात करते हैं कुछ मिसलेनियस फीचर्स के बारे में जो आपको यहां पर Realme 7 Pro में देखने को मिल रहा है, वो है यहां पर कि आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जा रहे हैं, और बाकी कुछ भी आपको नया देखने को नहीं मिल रहा है। 3.5 mm जैक दोनों में ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब वही बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी की। तो अब यहां पर बात करूं मैं Realme 7 Pro में,
तो इसकी तो कहानी आप जानते हैं कि ये फ्लैश सेल में मिलेगा। अभी इसके जो ब्लाइंड ऑर्डर्स थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था वो इसको प्री ऑर्डर कर पाएंगे, लेकिन जो अभी परचेज इसको करना चाहते हैं उनको फ्लैश सेल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसकी जो फ्लैश सेल है वो बताई जा रही है कि 10 सितंबर से स्टार्ट होगी और 20,000 रुपये इसका बेस वेरियंट है, यानी कि 6128 के लिए आपको 20,000 रुपये और 8128 के लिए आपको 22,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। realme.com और flipkart.com से आप इसे परचेज कर सकते हैं फ्लैश सेल में। वहीं बात करें अब ओप्पो F17 Pro में, तो उसको आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं अभी से और इसकी जो डिलीवरी होगी वो 7 सितंबर से शुरू हो जाएगी। तो इसकी जो प्राइस है सिर्फ एक वेरिएंट के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया है इंडिया में, जो है 8128 का, और उसकी जो प्राइस है वो 23,000 है। अब 23,000 में मुझे नहीं पता कि कौन लेगा। और अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करूं कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा स्मार्टफोन आपको देखना चाहिए, तो ऑब्वियसली आप Realme 7 Pro की तरफ आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको Oppo F17 Pro से कहीं ज़्यादा फीचर्स आपको Realme में देखने को मिल रहे हैं।